Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. In our today's video, we are going to discuss the most important questions for the chapter Continuity and Differentiability. Iski jo PDF hai aapko Telegram pe mil jayegi. Telegram name is Study Warehouse. Link is in the description. Otherwise, you can simply search Study Warehouse on Telegram. You'll get my channel. Wahan pe jitni PDFs hai main provide kar deti hun. So definitely Telegram join kar lena. To sabse pehla hamare paas question hai, if the function f defined as this is continuous at x equals to 3, find the value of k. तो अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होता है तो हमारे पास कंडीशन होती है लिमिट x टेंड्स टू c एंड यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ सी होता है. यहाँ पे c हमें क्या गिवन है, हमें सॉरी 3 गिवन है नॉट के. तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू 3 गिवन है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये कंटिन्यूस है, विच मीन्स ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो सिंपली इस कंडीशन की हेल्प से हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एफ सी यानी कि एफ 3. तो ये लिमिट x टेंड्स टू 3. अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, बिकॉज हम लिमिट वाला ले रहे हैं तो इस केस में हम वो वैल्यू लेंगे जबकि x की वैल्यू 3 नहीं है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो स्लाइटली 3 से या तो कम है या 3 से स्लाइटली ज्यादा है. तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. अब देखो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में इन द न्यूमरेटर. तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री. तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन यहाँ पे x माइनस थ्री आ गया इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितनी है k. तो यहाँ पे हमने k पुट कर दिया. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा. x की जो वैल्यू है वो 3 के टूवर्ड्स टेंड कर रही है तो x के बदले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3. सो 3 प्लस 3 इक्वल टू k यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल गई है 6. इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो जनरली 1 मार्क में ही पूछे जाते हैं और ये MCQ के फॉर्मेट में आ रहे हैं तो ये सिंपली कर सकते हो. इतना सब कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. बेसिक जो चीज आपको अप्लाई करनी है वो समझ लो एंड डायरेक्टली यहाँ पे देन वैल्यू पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी अगेन 1 मार्कर में ही आता है. तो यहाँ पे भी हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 3 पे ये कंटिन्यूस है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है. तो वही चीज लिमिट x टेंड्स टू 3 यहाँ पे एफ एक्स आएगा इक्वल्स टू एफ 3. तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन x माइनस 3. इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली हम कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस कर ही सकते हैं. तो यहाँ पे a प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी आ जाएगा. अगेन यहाँ पे देखो ये तो हो गया x प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 ऑब्वियसली. तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी तो x प्लस 9 यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, x प्लस 9 पुट कर सकती हूँ ये पूरे फंक्शन के बदले बिकॉज ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब फंक्शन पे वैल्यू x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k है. तो यहाँ पे आ जाएगा k. अगेन x की वैल्यू 3 के टूवर्ड्स टेंड कर रही है, यहाँ पे पुट करो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी. सो k इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली आ गया है 12. अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 या 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है और ऑलरेडी ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर्स में. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे हमें गिवन है कंटिन्यूस है तो हमें क्या करना है, ये k की जो वैल्यू है ना इसको कैलकुलेट करना है. तो अगेन वही चीज हम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे कितना गिवन है 0 एंड यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट शुड बी इक्वल्स टू f 0. अब देखो f 0 तो हमें गिवन है कितना है हाफ, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos kx अपॉन x साइन x. तो ये वैल्यू उधर पे हमारे पास आ चुकी है इक्वल्स टू ये हमारे पास कितना हो जाएगा हाफ. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है एक cos 2x का, दैट इज 1 माइनस 2 sin² x. तो इसको हम इधर पे पुट कर सकते हैं. यहाँ पे 1 माइनस cos x कितना हो जाएगा, देखो अगर हम 1 माइनस cos 2x की बात करें दैट विल बी 2 sin² x. तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2 sin² kx/2. अब ये कैसे आया, तो हाफ एंगल फॉर्मूला. अगर इधर पे x होता तो इधर पे x/2 हो जाता, बट इधर पे क्या है kx है तो ये अगर हमारे पास kx है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k की जो वैल्यू है वो इधर पे भी आ जाएगी. तो ये kx/2 हो चुका है. ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास x sin x एंड दैट इज इट. या यहाँ पे कुछ और हम चेंजेस करेंगे नहीं. ठीक है, तो ये हमने इधर पे पुट कर दिया. अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x अगर हो जाए तो ये 1 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो नीचे हमें क्या चाहिए होगा, ये एंगल है इधर पे
जैसे यहाँ पे x है तो नीचे भी x आया है, इधर पे क्या है kx एक्स बाय टू, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए kx एक्स बाय टू, बट इसका स्क्वायर चाहिए होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इतना तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इधर पे टू मैं बाहर ले लेती हूँ बिकॉज वो कॉन्स्टेंट ही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स बाय टू, एंड के एक्स बाय टू का होल स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, के एक्स बाय टू के होल स्क्वायर से हम डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गया। और ऑलरेडी हमारे पास ये एक्स साइन एक्स डिनोमिनेटर में तो था ही, ठीक है। तो आई थिंक कुछ मिस आउट तो हमने नहीं करा है, हमने सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। हमारे पास टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन के एक्स बाय टू अपॉन के एक्स बाय टू। देन अगेन हम लिमिट ले सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन के एक्स बाय टू अपॉन के एक्स बाय टू। इसीलिए हमने क्या किया था, स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा था। उसके बाद हम ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इधर पे ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फोर इंटू ये आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये वाला अलग से भी हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू हाफ आ जाएगा। ये वैल्यू वन, ये वैल्यू भी वन हो जाएगी, आगे हमारे पास टू है और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना आ गया ये के स्क्वायर, तो हम बाहर ही ले लेंगे, इंटू दिस विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू वन अपॉन एक्स साइन एक्स, ये भी कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर हमारे पास बस यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास क्या हो रहा है, देखो हमें तो k की वैल्यू चाहिए है, k की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, बट ये लिमिट अभी तक यहाँ पे फिनिश आउट नहीं हुई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम साइन x के डिनोमिनेटर में भी तो सेंड कर सकते हैं ना, कैसे, वील सी दैट ऑल्सो। यहाँ पे साइन x कुछ इस तरीके से ये वैल्यू है, इसको हम वन अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में चला जाता है तो एक्स हमें ऊपर ही मिलेगा, तो इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना मैं, तो यही करते हैं। तो के स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट भी फिर किस केस में लेंगे, डिनोमिनेटर में। अब देखो ये टू भी मैं क्या करती हूँ, बाहर ले लेती हूँ के स्क्वायर के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा वन अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में लिख दिया है, इक्वल्स टू हाफ आ रहा था, टू से टू कैंसिल हो गया, अगेन ये उसी फॉर्मेट में बन गया जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेंगे तो ये वन आ जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू वन आ गया, के की वैल्यू विच मीन्स प्लस माइनस वन इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय फोर, आई थिंक पाई बाय फोर, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, दिस इज पाई बाय फोर। तो ये पाई बाय फोर पे ही हमें गिवन है फंक्शन की जो भी वैल्यू है, तो हमें k की वैल्यू अगेन यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अगेन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय फोर, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, साइन x माइनस कॉस x अपॉन फोर एक्स माइनस ऑफ पाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा f पाई बाय फोर, और f पाई बाय फोर कितना आ रहा है, k आ रहा है, तो विच मीन्स k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इजिली निकाल सकते हैं। बट अब दिक्कत क्या आई, अगर हम साइन पाई बाय फोर करेंगे वन अपॉन रूट टू होता है, और कॉस पाई बाय फोर भी वही होता है, विच मीन्स ऊपर तो जीरो आ जाएगा नीचे भी जीरो आ जाएगा, बिकॉज इसके बदले अगर आप पाई बाय फोर पुट करोगे, फोर से फोर कैंसिल, पाई माइनस पाई जीरो हो गया। जब भी इस टाइप का कोई भी केस आता है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म हमारे पास बन रही होती है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। जो एल हॉस्पिटल रूल होता है वो क्या स्टेट करता है, अगर जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर है ये, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये आ गया साइन एक्स अपॉन, इसका अगर आप करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो सिर्फ फोर बचेगा बिकॉज पाई तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा उसका, इक्वल्स टू ये कितना आ गया के। अब यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज कॉस पाई बाय फोर दैट इज वन बाय रूट टू, ये भी हमारे पास क्या होता है वन बाय रूट टू, और ये फोर हमारे पास बाहर से है, तो ये कितना आ गया टू अपॉन अंडर रूट टू इन टू दिस, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया वन अपॉन टू अंडर रूट टू। अगर इसको आप रैशनलाइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू बाय फोर, अदरवाइज यहाँ पे भी इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो एल हॉस्पिटल रूल हमने पढ़ा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वहां पे अगर कुछ और मेथड नहीं याद आ रही है तो आप सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो।
उसके बाद वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. तो यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है, अभी तक तो बस हमने एक वैल्यू फाइंड करी. फॉर विच दिस फंक्शन, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू लेस है तब एक वैल्यू गिवन है, ग्रेटर है तो दूसरी गिवन है, एंड जब x इक्वल्स टू पाई बाय टू गिवन है तभी भी हमें एक वैल्यू गिवन है. अब ये कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू पाई बाय टू पे. अब बिकॉज हमें देखो लेस के लिए अलग फंक्शन गिवन है, ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग से निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं. तो कैसे निकालते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस हम लिखते हैं और फंक्शन की वैल्यू लेते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो अभी अगर हम LHL और RHL की बात करें तो क्या होता है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर सी के लिए जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, ये तीनों वैल्यूज आपस में सेम होनी चाहिए. तो अगर हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं उस पॉइंट को, अगर हम उससे थोड़े से पहले कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं कंटिन्यूटी थ्री पे चेक कर रही हूँ, तो उससे पहले कोई भी पॉइंट 2.99, 2.98 इस तरीके से मैं ले लूंगी, और इससे आगे भी 3.01 हो गया या 3.001 हो गया, तो इन दोनों पे भी हमें क्या करनी होती है, वैल्यूज चेक करनी होती है और वो सेम ही आनी चाहिए. तो बेसिकली ये हमारे पास कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है. तो अगर हम LHL निकाल रहे हैं ना, तो हम इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, ये पॉइंट कैसे आएगा, थ्री से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.01 करना पड़ेगा, तभी जाके 2.99 आएगा. तो ये जो वैल्यू है ना, इसको हम एच कंसिडर करते हैं, और ये जो एच है आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कहाँ को टेंड कर रहा है, जीरो के टुवर्ड्स, बहुत छोटी वैल्यू है बिकॉज ये. तो हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लेते हैं और फंक्शन पे देखो, यहाँ पे जैसे पाई बाय टू पे निकालना है, तो जो भी जैसे यहाँ पे थ्री निकालना था तो थ्री माइनस करा, तो यहाँ पे पाई बाय टू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो दिस विल बी पाई बाय टू माइनस ऑफ एच. तो इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा. अब हम वही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि उस पॉइंट से पहले वो पॉइंट आ रहा होगा, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, ये. तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो दिस विल बी वन माइनस साइन. अब x के बदले क्या आ गया, ये पूरा पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, अपॉन ये थ्री कॉस अगेन पाई बाय टू माइनस एच, एंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, LHL ही निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसके बदले कॉस थीटा आ जाएगा ना, तो दिस विल बी वन माइनस कॉस क्यूब थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे h है, अपॉन यहाँ पे भी वही चीज करते हैं, तो थ्री ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वेयर एच. तो ये हमने इधर पे पुट कर दिया. अब अगर h की वैल्यू जीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो होगा, तो कॉस जीरो इज वन, वन माइनस वन जीरो, तो न्यूमरेटर में जीरो आ गया, नीचे साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो बाय जीरो की हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बन चुकी है. तो अगेन हमको क्या करना होगा, यहाँ पे अगेन हमें यही चीज करनी होगी कि हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें. तो डिफ्रेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एच, और हमारे पास फिर क्या होगा, कॉस का फिर से हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन एच, ठीक है. अपॉन ये कितना आ जाएगा, टू साइन एच, साइन का फिर से होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एच, ठीक है. तो ये थ्री से थ्री इधर पे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये टू बच रहा है ना, वन बाय टू मैंने बाहर ले लिया है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, साइन एच कैंसिल आउट, तो ये आ गया कॉस एच, ठीक है. तो यहाँ पे एल एच एल की जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस एच, एच की वैल्यू अगर जीरो को टेंड कर रही है, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ इंटू वन, यानी कि एल एच एल आ गया है मेरे पास हाफ. अब हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये कंटिन्यूस है, तो एल एच एल की जो वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आएगी, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है. तो हाफ इक्वल्स टू एफ पाई बाय टू कितना है, यहाँ पे क्लियरली गिवन है इट इज पी, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई है, हाफ आ गई है. तो ये हमारे पास एक वैल्यू तो यहाँ पे निकल चुकी है. अब हमें q भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है. देखो एक तो ये मेथड है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो. दूसरा क्या होता है, कई बुक्स में आपको ऐसा गिवन रहेगा कि x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस है, तो पाई बाय टू माइनस के फॉर्म में ही सॉल्व किया होगा, h टेंड्स टू जीरो नहीं लिया होगा, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी करेक्ट. बट इधर पे हमने इस तरीके से सॉल्व कर रखा है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर एच एल निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस, एंड फंक्शन की वैल्यू
देन अगेन हम एक एच टेंस टू जीरो कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ पाई बाय टू प्लस ऑफ एच। अब जो फंक्शन इधर पे है यानी कि ग्रेटर देन पाई बाय टू पे, उसको हम कंसिडर करेंगे क्यू इंटू वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और x क्या है हमारे पास, x है पाई बाय टू प्लस ऑफ h। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, पाई माइनस टू इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर पे है। तो यहाँ पे अगेन साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे जा रहे होते हैं इस क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है और ये किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा और ये कॉस में चेंज हो जाएगा। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं पहले ये आनी चाहिए, तभी जाके ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाओगे। उसके बाद ये आ गया वन माइनस कितना, कॉस एच। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, सो पाए माइनस पाई हो जाएगा और ये माइनस ऑफ टू एच हो जाएगा। तो ये माइनस टू एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। इधर पे आ जाएगा फोर एच स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होगा। तो ये हमने इधर पे पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, एच की वैल्यू जीरो को अगर टेंड कर रही है तो कॉस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो, न्यूमरेटर में जीरो बन गया, इधर पे भी ये जीरो आ जाएगा। सो अगेन जीरो बाय जीरो का फॉर्म बन चुका है। फिर से हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल इधर पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू एंड यहाँ पे कॉस एच का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एच आएगा, माइनस एक ऑलरेडी है तो यहाँ पे साइन एच इस तरीके से आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे फोर इंटू ये कितना हो जाएगा, टू एच। अब देखो अगेन वही चीज आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगी तो अगेन जीरो बाय जीरो, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको कर देंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे एंड एल हॉस्पिटल रूल हम फिर से अप्लाई करेंगे जब तक डिनोमिनेटर में हमें, मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्म जब तक आपका एलिमिनेट नहीं हो जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एच अपॉन, अब इस केस में ये वैल्यू हमें एट ही मिलेगी बिकॉज एच का डिफ्रेंशिएशन वन आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें इधर पे मिल चुकी है। अब ये हमारे पास क्यू था ना, तो क्यू अपॉन एट बाहर ले लिया बिकॉज ये तो कॉन्स्टेंट ही है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉस जीरो वन होता है तो इंटू वन आ गया। अगेन जो आर एच एल है वो भी तो एफ पाई बाय टू के इक्वल ही आएगा, तो क्यू बाय एट इक्वल्स टू कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हाफ थी, तो ये क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, फोर। तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है बट समझोगे तो इजिली खुद से कर पाओगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन के निकालना है, अगर एफ एक्स हमें ये गिवन है जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू जीरो है एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हमें ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे गिवन है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो अगर हम f जीरो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k साइन पाए बाय टू, जीरो प्लस वन इज वन ओनली और साइन पाए बाय टू हमारे पास कितना होता है, वन होता है, तो f जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। ठीक है, अब हम एल एच एल और आर एच एल के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एल एच एल लेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो है यहाँ पे, तो जीरो माइनस एफ एक्स ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम जीरो माइनस लेंगे तो यही वाला फंक्शन आएगा, तो इधर पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस इज टेंस, ठीक है, एरो जीरो माइनस एच, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन की वैल्यू, अब हमें ये वाला फंक्शन लेना है इधर पे, तो के साइन पाए बाय टू इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स के बदले क्या पुट करना है, जीरो माइनस एच और यहाँ पे आ गया प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस इज के, अब यहाँ पे वन माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, साइन पाए बाय टू इंटू वन माइनस एच। तो अब यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो के टुवर्ड्स अगर टेंड कर रही है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दो, वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, के इक्वल आ गई बिकॉज यहाँ पे साइन पाए बाय टू बचेगा और पाए बाय टू साइन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो ये के आ गया। अब मेन हमें क्या निकालना है, एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो प्लस एच, दिस विल बी लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच ये वाला फंक्शन आएगा, सो टैन कितना आ जाएगा, ये जीरो प्लस एच, एच ही होता है तो एच ही पुट कर देती हूँ, ये भी कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, अगेन ये जीरो प्लस एच का क्यूब यानी कि ये एच क्यूब हमारे पास हो जाएगा। अगेन देखो टैन जीरो जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म बन गया है। तो इसको एक मेथड हमारे पास है कि हम इसमें क्या करें, अगेन
एल हॉस्पिटल का रूल लगाएं, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमें एक बार करके नहीं चलेगा. एक बार करोगे तो डिनोमिनेटर में 3h² आएगा, फिर से करोगे फिर 6h, तो हमें तीन बार बेसिकली करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम दूसरी मेथड भी लगा सकते हैं. अगर आपको दूसरी मेथड नहीं याद आ रही है या आप नहीं बना पा रहे हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल से भी इसको कर सकते हो. ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसमें मैं क्या करती हूँ, सिंपल है बहुत. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे टैन एच माइनस साइन एच है, तो साइन एच में इसमें मैं क्या कर रही हूँ, कॉस एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर दे रही हूँ. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एच क्यूब है, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस के बन जाएगा टैन. तो टैन फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टैन एच, दिस विल बी वन माइनस कॉस एच अपॉन एच क्यूब. इवन यहाँ पे अगर हम एच टेंस टू जीरो लेंगे तो फिर से ये वैल्यू हमको जीरो मिलेगी, बट हमें अगेन फॉर्मूला पता है कॉस टू एक्स का क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स. ये सबसे इजी है बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो वन के इक्वल होता है. तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो आ जाएगा, टैन ये है एच, इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस विल बी टू साइन स्क्वेयर हाफ एंगल, सो दिस विल बी एच बाय टू अपॉन दिस विल बी एच क्यूब. अब ये टू तो हम पहले बाहर ले लेते हैं, टू इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस विल बी टैन एच, यहाँ पे साइन स्क्वायर एच बाय टू है तो हमें एच स्क्वायर बाय फोर चाहिए होगा, तो एच स्क्वायर बाय फोर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों ही हमने कर दिया और ये एच क्यूब तो हमारे पास ऑलरेडी था. ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया. तो अगेन वही चीज जो हमने प्रीवियस में करी थी, इसको ब्रेक करना, तो ये लिमिट तो आपके पास वन आ जाएगी, तो इसको मैं अभी लिख नहीं रही हूँ. टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टैन एच, ये फोर भी मैं बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, इधर पे एच आ जाएगा, सो टैन एच अपॉन एच बचेगा. ये भी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वन होती है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, वन बाय टू. तो ये वैल्यू हमारे पास वन बाय टू आ चुकी है. एंड यहाँ पे जो फंक्शन पे हमें वैल्यू मिल रही थी, लाइक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही थी वो के आ रही थी, सो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू के, एंड के की वैल्यू विच मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली हाफ आ चुकी है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फॉर डिफरेंशियबिलिटी. कंटिन्यूटी के तो हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी का भी देख लेते हैं. जब भी हमें डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ करनी होती है तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बस इतना ही प्रूफ करना होता है. ठीक है, यहाँ पे मतलब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालते हैं. तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखो x इक्वल टू जीरो पे हमें चेक करना है, तो हमें दो वैल्यूज बनानी पड़ेगी, एक तो जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, एक जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी. अब ये क्यों आएगा, देखो x मॉड ऑफ x है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स, तो ये कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा. अगर वो या तो जीरो के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके बदले क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, यानी कि इधर पे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये याद भी कर लेना, एफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस एच आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हमें ऑलरेडी जीरो गिवन है, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इधर पे जीरो भी पुट कर सकते हैं, सो दिस विल बी जीरो. तो एफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच हमें ये वाला ही यहाँ पे फंक्शन लेना है, तो ये माइनस जीरो माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा. इसके लिए हम ये वाला फंक्शन इधर पे कंसिडर करेंगे एफ जीरो के लिए. ठीक है, तो दिस विल बी जीरो स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एच. अब देखते हैं ये सॉल्व करके कितना हमारे पास आ रहा होगा. देखो ये माइनस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ही मिलेगा, बट एक माइनस साइन बाहर भी है, तो ये माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हुआ, ये एच आ गया. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या है, जीरो के टूवर्ड्स टेंड कर रही है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास जीरो आ गई. अब हमें क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है. अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो के इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन यहाँ पे एच आता है, वहां पे माइनस एच आता है. ठीक है, तो इक्वल्स टू हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है. अब फंक्शन पे एक्स प्लस एच यानी कि जीरो प्लस एच पे हमको लेनी है, तो हम यही वाला फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन यहाँ पे एच आ जाएगा. यहाँ पे ये एक्स तो हमारा कंसिडर करने के लिए है, एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इधर पे हम जीरो पुट कर सकते हैं. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच, दिस विल बी एच, तो ये अगेन जीरो आ गया. तो एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी है, विच मीन्स द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, प्रूफ हो गया बस. ठीक है,
अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के. कंटिन्यूटी के भी आते हैं, बट मेन जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 नंबर के, वो आते हैं डिफरेंशिएशन से. तो यहाँ पे y इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट 3x, तो वो जो x है वो भी अंडर रूट में ही है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा. डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर लेते हैं. e की पावर x का एज इट इज होता है, तो ये वैल्यू तो इतनी आ जाएगी, बट d बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर वैल्यू, ये फिर से होगा ना चेन रूल के अकॉर्डिंग. तो एक तो ये हमारे पास आ गया. इसमें देखो, इसको भी तो मैं ब्रेक कर सकती हूँ ना. एक तो हो जाएगा ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट एक्स. अंडर रूट 3 हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको तो बाहर ले लो. अब अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा अंडर रूट एक्स का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं कितना आता है, याद भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी देख सकते हो, ये आ जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स. तो इधर पे हम देखते हैं 1/2 e की पावर अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1/ अंडर रूट एक्स. अगर इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये कितना बन जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो इधर पे बन जाएगा x. ठीक है, तो ये कितना आ गया, इन दोनों को फिर मैं साथ भी लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3x e की पावर अंडर रूट 3x अपॉन 2. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगर y की वैल्यू हमें गिवन है तो हमें ये चीज शो करनी है. शो करने वाले क्वेश्चन ना सबसे सिंपल होते हैं. सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा. देखो a तो बाहर रहेगा, ठीक है, e की पावर 2x, e की पावर 2x ही रहेगा, बट ये 2x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा जिससे 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा. प्लस b e की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस एक्स. फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, सिंपल. तो अगेन देखो 2a तो बाहर ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है, e की पावर 2x इसका डिफरेंशिएशन हो गया, 2x का फिर से हो जाएगा तो एक और 2 इधर पे आ जाएगा, माइनस b e की पावर माइनस x और माइनस x का फिर से हो जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा. ये हो जाएगा 4a e 2x एंड प्लस b e की पावर माइनस x. तो अब हमें ये प्रूफ करना है ना, सो विच मीन्स हम LHS ले लेते हैं जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसका. सो 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ 2y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a की पावर ये एंड माइनस करना है ना, तो माइनस 2 दिस. ठीक है, अब देखो दिस दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गए बिकॉज ये दोनों माइनस 4 देंगे और इधर पे क्या है पॉजिटिव 4, और इधर पे ये दोनों ऐड होके पॉजिटिव 2 देंगे और ये माइनस 2 है, तो टोटल कितना आ गया 0, विच मीन्स RHS के इक्वल आ गया, हेंस यहाँ पे प्रूफ हो गया. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है. ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. सबसे पहले जो हमें x गिवन है इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम गोज फॉर y. उसके बाद हमें dy by dx निकालना है ना, तो ये कैसे आएगा, dy by d थीटा अपॉन dx by डी थीटा, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट होगा, हमें यही वैल्यू मिलेगी. तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, सो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा. डी वाई बाई डी थीटा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा. उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉस अपॉन साइन, कितना हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा. अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, विच मीन्स अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. तो माइनस बी अपॉन ए कॉट का हो जाता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर थीटा, बट ये थीटा है तो फिर से x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डिफरेंशिएट. डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ये थी, सो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बी बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/ माइनस ए साइन थीटा. तो अगेन ये माइनस आ गया है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, 1/ साइन होता है कोसेक, तो ऊपर एक और कोसेक की पावर बढ़ जाएगी, तो दिस विल बी कोसेक क्यूब थीटा. ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो अगर मैं इसको v कंसिडर करती हूँ, x की पावर log x को, u ले लेते हैं इसको, पहले वाले फंक्शन को u और दूसरे वाले को v ले लेंगे. ठीक है, इस वाले फंक्शन को मैंने v ले लिया है,
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि हमें डी यू अपॉन डी वी निकालना है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स करके, वही जो अभी हमने पैरामेट्रिक फॉर्म देखा। तो अगर हम डी वी अपॉन डी एक्स की बात करें, सो लॉग एक्स का तो वन अपॉन एक्स हो जाता है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉग मेथड क्या स्टेट करता है कि अगर एक्स के पावर में हमारे पास एक्स का कोई फंक्शन होता है तो उस केस में हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो लॉग ले लेते हैं, लॉग यू इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स की पावर, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग एक्स की पावर ए हो जाता है, ए लॉग एक्स, पावर आगे आ जाती है, यहाँ पे पावर क्या है लॉग एक्स ही है। सो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, तो विच मीन्स लॉग यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा वन बाय यू डी यू अपॉन डी एक्स, बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये यू है, तो फिर से हो जाएगा सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे टू लॉग एक्स हो जाएगा। लॉग एक्स का फिर से हो जाएगा हमारे चेन रूल के अकॉर्डिंग, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए है, तो ये यू इस साइड चले जाएगा, यू की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स लॉग एक्स, इतना ही था ना, हाँ ठीक है, टू भी है यहाँ पे टू एंड ये log x हो गया अपॉन x। तो अब हमें चाहिए क्या है इधर पे, डी यू अपॉन डी वी, जो कि हमने कहा कि कैसे आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स विच मीन्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया log x अपॉन x। अब दिस डिवाइडेड बाय वन अपॉन x, विच मीन्स x कहाँ चले जाएगा, न्यूमरेटर में, कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल सा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम अंदर पहले सिंप्लीफाई कर देंगे तो बहुत ही छोटा सा हमारे पास आंसर आएगा। तो y इक्वल्स टू, ये मैं कंसिडर करती हूँ यहाँ पे, जब भी हमें tan इनवर्स बाहर गिवन है या फिर tan गिवन है एंड अंदर कुछ इनवर्स का फंक्शन हमारे पास बन सकता है बाहर, या cot इनवर्स गिवन है, तो इस तरीके में हम क्या करते हैं ना, अंदर अगर हमें cos और sin दिख रहा है तो उसको हम ट्राई करते हैं कि tan के किसी फॉर्मूले में चेंज करें, या बाहर अगर cot इनवर्स है तो cot के किसी फॉर्मूला में उसको चेंज करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे cos x से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो cos अपॉन cos यहाँ पे 1 आ जाएगा, sin अपॉन cos यहाँ पे tan आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 1 प्लस tan x ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 यानी कि tan pi by 4, बिकॉज उसकी वैल्यू 1 ही होती है, अपॉन, इसको हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हमें इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में ही चेंज करना है। tan x into 1 हम लिख सकते हैं, tan x ही रहेगा, तो इस 1 के बदले मैं क्या लिख देती हूँ, tan pi by 4 into tan x। ये जितने क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं ये याद होनी चाहिए, तभी जाके जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो समझ में आएंगी। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, tan pi by 4 minus of x का। tan inverse tan x होता है x, x यानी कि ये जो भी पूरा एंगल है, तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना है, pi by 4 minus x। तो y की, इस पूरे y की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करके सिर्फ इतनी आ गई है, तो विच मीन्स अब अगर हमें dy by dx निकालना है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस x का होता है माइनस 1, सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर दिस प्लस दिस हमें ये गिवन है तो हमें ये चीज इधर पे प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले x को हम यहाँ पे साइन a कंसिडर कर लेते हैं, y को यहाँ पे हम साइन b कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हमें a चाहिए होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे साइन इनवर्स y होगी। एंड यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ये, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू a इंटू साइन a माइनस ऑफ साइन बी। ठीक है, ये वैल्यू होती है कॉस ए की और ये वैल्यू हो जाएगी कॉस बी की, तो इधर पे आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू ए इंटू साइन ए माइनस ऑफ साइन बी। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी का, टू कॉस ए प्लस बी बाय टू एंड कॉस ए माइनस बी बाय टू। यहाँ का भी फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी बाय टू एंड कॉस ए प्लस बी बाय टू। तो ये तो इधर पे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इधर पे टू भी आएगा, सॉरी, ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बचा है यहाँ पे। एंड अगर साइन को हम डिनोमिनेटर में सेंड कर दे तो कॉस अपॉन साइन हमारे पास कॉट हो जाता है, सो दिस विल बी कॉट ए माइनस बी बाय टू इक्वल्स टू ए, सो ए माइनस बी बाय टू इट विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, ए माइनस बी दिस विल बी इक्वल टू 2 cot inverse a। अब हम क्या करेंगे, a और b की जो वैल्यू थी, बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में गिवन था ना वो तो x और y के फॉर्म में था, a और b तो हमने फिर खुद से लिए, तो हम उसी फॉर्मेट में इसको वापस से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा sin inverse x minus sin inverse y equals to 2 cot inverse a।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब बिकॉज हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है तो इधर पे जीरो हो जाएगा. इसकी वैल्यू उधर सेंड कर देते हैं तो इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स सिंपली आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस y square upon under root 1 minus x square, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था तो हमने कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x equals to this and y equals to this, तो हमें प्रूफ करना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है d square y upon dx square. अगेन हमारे पास वही है, अगर हमें dy by dx निकालना है तो कैसे निकालेंगे, dy by d theta upon dx by d theta करके. तो कर लेते हैं, dx upon d theta अगर हमें निकालना है तो a हमने भारी रखा, कॉस का हो जाता है साइन, तो माइनस साइन टू थीटा हो गया और टू थीटा का फिर से होगा सो टू बाहर आ जाएगा, सो ये माइनस टू इधर पे मैंने पुट कर दिया, प्लस इधर पे टू हमने बाहर ही रखा. यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन वन होगा सेकेंड टर्म ऐसे ही, प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन पहला टर्म ऐसे ही. इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस टू थीटा, टू और हमारे पास बाहर आ जाएगा और थीटा तो बाहर से है ही सो टू थीटा आ जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे माइनस टू साइन टू थीटा प्लस इधर पे कितना आ जाएगा टू साइन टू थीटा, टू प्लस सॉरी टू इंटू टू फोर जाएगा फोर थीटा कॉस टू थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो ये वैल्यू आ गई फोर ए थीटा कॉस टू थीटा. ठीक है, अब हमें चाहिए है डी वाई बाई डी थीटा, तो ए हमने अगेन बाहर ही रखा है बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है. साइन टू थीटा का क्या हो जाएगा कॉस टू थीटा और टू बाहर से आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद माइनस टू, अगेन यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले का डिफरेंशिएशन वन होगा सेकेंड टर्म ऐसे ही, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस टू साइन टू थीटा और थीटा ऑलरेडी एक और है हमारे पास तो हमने उसको उसके साथ ही रखा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा टू कॉस टू थीटा, अगेन माइनस टू कॉस टू थीटा, ये हो जाएगा प्लस फोर थीटा साइन टू थीटा, तो इधर पे साइन ही आएगा ना. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया फोर ए थीटा साइन टू थीटा. अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो विच मीन्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा. उसके लिए दिस डिवाइडेड बाई दिस होगा फोर ए थीटा साइन टू थीटा अपॉन दिस विल बी फोर ए थीटा एंड दिस विल बी कॉस टू थीटा, ये तो हो गए कैंसिल आउट, इधर पे आ गया टैन टू थीटा. अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, टैन का होता है sec, तो sec स्क्वायर टू थीटा आ जाएगा इन टू, अब यहाँ पे एक हमारे पास टू तो आएगा ही टू थीटा का टू एंड उसके बाद डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो ये आ गया हमारे पास टू सेक्स स्क्वायर टू थीटा इन टू डी एक्स बाई डी थीटा, ये वाली होती है. सो डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी वन अपॉन फोर ए थीटा है नहीं एंड दिस इज कॉस टू थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे टू से एक तो ये कैंसिल होगा हमारे पास एंड वन बाय टू इन टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास सेक क्यूब ना, दिस विल बी सेक क्यूब टू थीटा अपॉन हेयर वील हैव ए थीटा. तो आई थिंक इतना ही यहाँ पे करना है और एनीथिंग एल्स. थीटा हमारे पास है पाई बाय एट, तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये पाई बाय एट है तो अब हमें यही पुट करना है, तो सेक टू इंटू पाई बाय एट का क्यूब कितना हो जाएगा सेक पाई बाय फोर, कितना होता है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू का क्यूब कितना हो जाएगा टू अंडर रूट टू अपॉन ए इंटू थीटा अगेन पाई बाय एट, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये इधर पे कैंसिल आउट हो जाएगा एट अंडर रूट टू अपॉन ए पाई, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. अब ये अगेन हमारा लॉग से सॉल्व होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, लॉग अगर हम लेंगे तो अगेन कॉस एक्स की पावर वाई है, इधर पे क्या है लॉग साइन वाई की पावर एक्स, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, सो वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग दिस विल बी साइन वाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन विल बी दिस एंड सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे सो लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर से होगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा इंटू पहला टर्म एज इट इज रहेगा. यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन साइन वाई आ जाएगा, साइन का फिर से होगा तो कॉस वाई इंटू प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग, एक्चुअली चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स फिर से आ जाएगा और एक्स तो हमारे पास था ही. ठीक है,
तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हमने सही करा है, ठीक है, दिस इज लॉग कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस एक्स, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट वाई, तो ये इधर पे आ गया, एंड दिस विल बी लॉग साइन वाई, यहाँ पे माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई टैन एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये वैल्यू को आप डिनोमिनेटर में सेंड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई टू एंड वाई इक्वल्स टू साइन टी, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी एंड इसकी एट टी इक्वल्स टू पाई बाय फोर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, अगेन दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, कॉस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी, प्लस लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टैन टी बाई टू, ठीक है, टैन का फिर से होगा जो कि क्या होगा सेक्स स्क्वेयर टी बाई टू, फिर क्या होगा टी बाय टू का फिर से होगा ना, तो कितना आ जाएगा ये हाफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और बहुत सिंपल है, देखो वन अपॉन ये टैन हो जाएगा, टैन होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास कॉस टी बाय टू अपॉन साइन टी बाय टू। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर टी बाय टू इंटू दिस इज वन बाय टू, देखो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी है हमारे पास वो आएगा माइनस साइन टी, प्लस दिस विल बी हाफ यहाँ पे साइन टी बाई टू एंड कॉस टी बाई टू। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, वो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे टू साइन टी बाई टू है एंड कॉस टी बाई टू है, विच मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, बिकॉज ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज जो होते हैं उसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस वन अपॉन ये कितना हो जाएगा साइन टी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास साइन टी, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी होता है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। देन हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, साइन का हो जाएगा कॉस, देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हमको निकालना था ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉस का फिर से होगा तो माइनस साइन टी हो जाएगा। अब ये हमें कितने पे निकालना है, जब टी की वैल्यू पाई बाय फोर है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट टू होती है, तो ये माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू हो जाएगा। अब जो हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स है वो, ठीक है, उसी के बाद उसी को हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी हमको पहले लेना पड़ेगा, जो कि क्या आ रहा था माइनस साइन टी आ रहा था, ठीक है, उसके बाद सॉरी ये नहीं आ रहा था कॉस टी आ रहा था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे है हमारे पास कॉस टी, और उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये आई थी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कॉस स्क्वायर टी इधर पे आ जाएगा और ये साइन टी इधर पे आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ गया हमारे पास टैन, बिकॉज साइन अपॉन कॉस होता है टैन। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी तो निकालना है, विच मीन्स इसका फिर से हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, टैन का होता है सेक्स स्क्वायर बट ये टी है, तो डी टी अपॉन डी एक्स फिर से आ जाएगा हमारे पास, तो ये सेक्स स्क्वायर टी आएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या था ये, तो अब हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर टी हमारे पास, तो दिस इज बेसिकली सेक फोर टी इंटू साइन टी। अब ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये हमें निकालनी कितने पे है, टी इक्वल टू पाई बाय फोर, टी इक्वल्स टू पाई बाय फोर पे अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, सेक पाई बाय फोर की पावर फोर इंटू साइन पाई बाय फोर, अंडर रूट टू की पावर फोर कितने बार जाएगा, देखो टू इंटू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज इसकी वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू आएगी, ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा टू अंडर रूट टू, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ये गिवन है, वाई ये गिवन है, तो अगेन ये निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं, अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो ये कैसे होगा, देखो थ्री sec square theta, उसके बाद sec का फिर से होगा जो कि क्या होता है tan theta sec theta, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3a sec cube theta tan theta, कुछ इस तरीके से आ गई है, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, सो ये आ जाएगी थ्री tan square theta, tan का क्या होता है sec square theta, तो ये अगेन हमने निकाल दिया है, दिस इज 3a tan square theta and sec square theta. अब हमें dy by dx चाहिए है, so दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, 3a tan square theta sec square theta upon this will be 3a sec cube theta and tan theta.
ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर आएगा टैन थीटा और नीचे आएगा सेक थीटा, ठीक है। ये होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, ये होता है हमारे पास वन अपॉन कॉस, और ये कॉस चला जाएगा ऊपर ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ऊपर गया तो हमारे पास कितना आ गया, सिर्फ साइन थीटा। अब हमें चाहिए क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए है, तो साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा, बट यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स भी आएगा, तो अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री पे चाहिए है ना, ठीक है। अब इक्वल टू कॉस थीटा आया, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू देखते हैं कितनी आई थी ये, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो वन बाय थ्री ए सेक क्यूब थीटा एंड टैन थीटा, यही वैल्यू थी ना, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये ऊपर कॉस बन जाएगा, तो कॉस फोर थीटा अपॉन थ्री ए टैन थीटा। अब हमें थीटा कितना गिवन है, पाई बाय थ्री, विच इज 180 बाय थ्री, यानी कि 60 डिग्री के लिए हमें गिवन है। तो साइन 60 हमारे पास कितना होता है, अंडर रूट थ्री बाय टू, और कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाय थ्री है इंटू दिस इज हाफ की पावर 4 इंटू दिस इज 1 बाय ए इंटू टैन 60 की अगर हम बात करें, सो दैट इज अंडर रूट थ्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, 48 अंडर रूट 3 ए। दिस शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर कई बार मिस्टेक भी हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू पूरा फंक्शन ले लेते हैं, इस फंक्शन को मैं u ले लेती हूँ, इस फंक्शन को v ले लेते हैं, ठीक है। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा x की पावर साइन x, अगेन log की मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड log ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर साइन x, अगेन अभी हमने देखा था पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, वन बाय यू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, एंड हमारे पास पहला एज इट इज रहेगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स की अगर मैं बात करूं तो यू उधर चला जाएगा, यानी कि एक्स की पावर साइन एक्स इंटू ये आएगा, इसको ऐसे लिख देती हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, अब इसको हमने v कंसिडर करा है, v इक्वल्स टू दिस इज साइन x की पावर cos x, नाउ dv, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा log v इक्वल्स टू, अगेन log लेंगे तो ऐसे लिख देती हूँ cos, बिकॉज नीचे आ जाएगा ना, तो cos x log ऑफ साइन x। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो 1 बाय वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस साइन x, दूसरा टर्म एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा और पहला टर्म ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन साइन एक्स होगा, साइन एक्स का फिर से होगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, और एक कॉस एक्स हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए है, डी वी बाई डी एक्स चाहिए है, सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वी हमारे पास क्या था, इट वॉज साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इस तरीके से आ गया, एंड देन यहाँ पे माइनस साइन एक्स we can write it, and here we have log of sin x, and यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, cot x into cos x के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको मैं cos x cot x ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज गिवन थी वो y equals to u plus v हमने कंसिडर करी थी, तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये du upon dx plus dv upon dx आ जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन में मान लेती हूँ ये वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। और u, ये जो पूरी वैल्यू आई थी इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, दोनों को ऐड कर दो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दैट इज इट, बहुत सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस, लास्ट के चार क्वेश्चंस बचे हैं। तो x इक्वल्स टू ये है, y इक्वल्स टू ये है, तो हमें ये चीज इधर पे प्रूव करनी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं हम, तो a देखो e की पावर t को पहला फंक्शन मैं कंसिडर कर रही हूँ और इसको मैं दूसरा फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहले का डिफ्रेंशिएशन e की पावर t का क्या होगा, एज इट इज रहेगा, तो पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरा टर्म एज इट इज, ठीक है, बिकॉज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, फिर प्लस क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा और दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन टी प्लस कॉस टी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कॉस टी और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया, तो देखो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये ई टी साइन टी और ई टी साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 2 ई टी कॉस टी बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ए ई की पावर टी कॉस टी, बहुत सिंपल है। डी वाई बाय
डी टी हम निकालते हैं, अगेन यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहले का डिफरेंशिएशन, देन हमारे पास सेकंड टर्म एज इट इज रहेगा, देन सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर लो और पहला टर्म एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस टी, और कॉस का होता है माइनस साइन, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये कॉस वाले टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास टू ई टी साइन टी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई टू ए ई टी साइन टी। अब हमें चाहिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए है, विच मीन्स दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो टू ए ई टी साइन टी अपॉन टू ए ई टी कॉस टी, ये सब कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये हमारे पास टैन टी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ले लेती हूँ एल एच एस और आर एच एस हम एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेंगे। तो देखो ये एक्स है और ये वाई है, क्लियरली आप देख सकते हो इन दोनों को अगर हम ऐड कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच मीन्स क्या आएगा ऊपर टू ए टी साइन टी ही आएगा, नीचे हमें सब्ट्रैक्ट कराना है, अगर माइनस आएगा तो इसमें माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस केस में साइन वाले टर्म्स कैंसिल आउट होंगे तो ये कॉस वाला बच जाएगा, ठीक है, इसको नहीं, ये साइन वाला कैंसिल तो कॉस बच जाएगा, तो ये टू ए टी कॉस टी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास यही आ जाएगा, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस यहाँ पे से इजिली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू ये गिवन है प्लस दिस, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, अगेन इसको मैं यू कंसिडर कर लेती हूँ, इसको हम वी कंसिडर कर लेते हैं, इसको आप लॉग वाले मेथड से भी कर सकते हो और नॉर्मली भी कर सकते हो, तो जैसे अगर मैं इसको एज इट इज कंसिडर करूंगी, अभी लॉग वाले तो देख चुके हैं, एक बार ऐसे भी देख लेते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स, अब क्या होगा ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही रहता है, तो इसका तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस भी होगा, बिकॉज ये पूरे हमारे पास एक्स तो था नहीं, एक्स के साथ तो साइन स्क्वायर एक्स भी है, तो डी यू अपॉन डी एक्स फर्दर हमारे पास क्या आएगा ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये पहला फंक्शन है दूसरा, तो पहले का डिफरेंशिएशन वन, दूसरा टर्म एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला टर्म एज इट इज, तो यहाँ पे एक्स एज इट इज आ गया, टू साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से होगा तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये हमारे पास साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं एक्स साइन टू एक्स भी लिख सकती हूँ या फिर सिंपली ऐसे भी इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद हमारे पास डी वी बाई डी एक्स भी हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लॉग वाला मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास साइन एक्स की पावर एक्स, तो लॉग ले लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे वन बाय वी डी वी बाई डी एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म ऐसे ही प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्लस जो पहला टर्म है वो एज इट इज एंड दूसरे का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया और साइन एक्स का फिर से होगा तो ये कॉस एक्स आ गया, तो ये हमारे पास आ गया लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें तो चाहिए है डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जो हमारे पास ये v है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन x की पावर x इंटू इधर पे कितना आ रहा था लॉग साइन x प्लस x cot x आई गेस, है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब हमें सिंपली क्या करना है, dy वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ऑब्वियसली डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा, सो हम वैल्यू निकाल चुके थे ना, दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आ चुकी है दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, लेकिन वो लास्ट स्टेप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो है और एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है। इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और एज इट इज अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इक्वल टू जीरो गिवन है तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, एक टर्म हम आर एच एस में सेंड कर सकते हैं, तो माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स आ गया, अंडर रूट में कॉम्प्लिकेशन आते हैं बिकॉज वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स हो जाता है हर बार, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई हो जाएगा, ये भी वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये मैं इस साइड सेंड कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे से भी हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब देखो
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे से ना मैं एक माइनस साइन बाहर और कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर कितना बचेगा x माइनस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो गए, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई हमारे पास आ गया। हमें dy बाई dx चाहिए है, तो हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू x के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने साथ लिख दिया है और ये जो x था उसको उस साइड भेज दिया, यहाँ पे से y कॉमन ले लेती हूँ, तो वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, अभी हमारे पास y है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अब कर लो डिफरेंशिएट, बहुत सिंपल हो गया। dy बाई dx अगर आप करोगे तो अगेन यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, डिविजन रूल, तो सबसे पहले हम माइनस साइन तो बाहर ही ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है x अपॉन वन प्लस एक्स का, तो पहले का डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म ऐसे ही, देन माइनस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन पहला टर्म ऐसे ही, अपॉन इसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस बाहर था तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था, आंसर आ गया। वन प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वन लिखो एक ही चीज होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का है, आज की वीडियो का है, इफ वाई इक्वल टू दिस, हमें ये चीज शो करनी है, बहुत ही सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और जरूर से जरूर इनको अटेम्प्ट करना, तो dy by dx अगर आप निकालोगे ना, तो देखो p तो कांस्टेंट है as it is रहेगा, e की पावर ax का ऐसे ही रहेगा, ax का फिर से करोगे तो a भी आ जाएगा, प्लस q e की पावर bx as it is रहेगा और b फिर से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, ठीक है। फिर अगर हमें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करो, p a आ जाएगा, फिर e की पावर ax, फिर से क्या होगा हमारे पास चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पे एक और a आ जाएगा, प्लस अगेन यहाँ पे q b e की पावर b x एंड e b x का हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो e b x का e b x ही रहेगा डिफरेंशिएशन, b x का फिर से हो जाएगा, सो अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हम एल एच एस ले लेते हैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, पी ए स्क्वायर ई ए एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ई बी एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू दिस एंटायर वैल्यू, सो पी ए की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ई की पावर बी एक्स एंड प्लस ए बी इंटू वाई, वाई हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज ई, तो ये आप सॉल्व करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा यहाँ पे जीरो, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एक बार ओपन करके इसको देख लेते हैं, देखो ये माइनस पी ए स्क्वायर ई एक्स हो जाएगा, माइनस क्यू ए बी ई बी एक्स आ गया ये, माइनस पी ए बी ई की पावर ए एक्स एंड माइनस दिस विल बी क्यू बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स, प्लस यहाँ पे ए बी करोगे सो पी ए बी ई की पावर ए एक्स एंड प्लस क्यू ए बी ई की पावर बी एक्स, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, हमने कुछ उल्टा कर दिया, बट एनी वेज ये सब आपस में ही कैंसिल हो रहे हैं, ये इसके साथ कैंसिल हुआ है, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हुआ है, ये वाला टर्म इसके साथ एंड ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आज करे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इसके अलावा मैं बाकी भी और भी क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, लाइक द एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर के लिए भी मैंने अपलोड करी थी, उसको भी डेफिनेटली चेक कर लेना, उसमें आपको और ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर आर टुडेज वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।